देखो क्या किया, करेगा ही, कुर्सी में रखे रहता है। कुर्सी में साइड में था तो उसको क्या जरूरी था अकेले सब करने का, बताओ। ये पहनने लायक कपड़ा था, फाड़ दिया। आपको दिख रहा होगा मेरे आंख आर पार, ये शर्ट को भी काट के फाड़ दिया और दो दो ईयरफोन्स। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो अभी जस्ट दो देर पहले सो के उठा और अभी कोचिंग जाना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम आ रहा है ना, तो क्वेश्चन जितने भी गेस्ट पेपर में सब मैं सर से मैं टेक आउट कराना है अभी। तो अभी ब्रश कर चुका हूँ जाते हैं और अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले रूम से बाहर निकले। अगर आपको थोड़ा बहुत भी सुनाई दे रहा होगा ना तो आपको डीजी को भूखने की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि वो अकेले रहता नहीं है तो बस भूख रहा है। सो ब्रश कर चुके, ब्रेकफास्ट करते, फिर थोड़ा देर निकल रहा है सारे क्वेश्चन मैं टेक आउट कराने के लिए ताकि एग्ज़ाम आने वाला है, बस स्टार्ट होने वाला एग्जाम। सो अभी जाता हूँ, करता हूँ ब्रेकफास्ट, फिर निकलते हैं यहाँ से। क्या रे, हाँ क्या हुआ? इसका पता नहीं क्या ही सीन रहता है भाई, थोड़ा सा भी घर से बाहर निकल जाओ ना, रोड तरफ चल जाओ या फिर बाथरूम चल जाओ या फिर कुछ भी करो, भोंकने लगा। पता नहीं यार इसका प्रॉब्लम क्या है, आपको समझ में नहीं आता। इसको घर को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो इसको खुद प्रोटेक्ट करने के लिए लोग चाहिए, अकेले बिल्कुल भी नहीं रहता। सो हाँ, सो हमारे गेस्ट पेपर मैंने 5 खरीद लिया है। ये रहे मेरे 5 गेस्ट पेपर, इनमें टिक आउट कराना है और डेट पता करना है कि एग्ज़ाम कब है और एडमिट कार्ड का प्रोसेस वगैरह। सो देखते हैं अभी जाके क्या होता है क्या नहीं, बिकॉज यार एग्ज़ाम से हमको बहुत टेंशन होता है, सारा दिमाग एकदम घूम जाता है, समझ में आता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं। एग्ज़ाम देने कोई दिक्कत नहीं भाई, सेंटर इतना दूर दूर कर कोई पड़ जाता है ना कि जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, गाड़ी जाने का उधर कोई मतलब अवेलेबल नहीं होता, कुछ कुछ सेंटर बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाते हैं। तो जो भी जैसा होता करते हैं। हाँ तो गाइस सारा टिक आउट वगैरह हो चुका और अभी आ गए जस्ट, और आते साथ ना ये थोड़ा रो रहा था, तब भूखने लगता ना वैसे भी अकेले, इसको अभी थोड़ा सा बाहर निकाले, इधर में घूम रहा आप देख सकते हो। सो अब सारा काम स्टार्ट होता है घर का, कपड़े भी मेरे बहुत सारे गंदे पड़े हैं उनको भी धोना है और बगान का थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको थोड़ा सा रोड तरफ लेके जाते, घुमा के लाते, फिर काम वगैरह करते हैं। अब किधर जाएगा? हाँ डेजी किधर जाना है बोल, इधर 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 कहाँ लेके जाए बोल, किधर जाएगा? हाँ डेजी। और एक चीज़ मतलब बहुत लोग कमेंट में भी कहते हैं और ऐसे रियल में भी कहते हैं, मतलब फेस टू फेस भी कहते हैं कि तुम एनी टाइम क्यों बांध के रखते हो इसको। तो मैंने इस चीज़ को बहुत बार एक्सप्लेन करके बताया है सबको कि भाई मेरा घर ओपन एरिया, ठीक है। सो क्या होता था बचपन से, मतलब जब छोटा था तब से ही बता रहे कि ये करता क्या था ना कि जब इसको टॉयलेट लगता था ना वो, तो मेरा घर छोड़ के साइड वाले किसी पड़ोस के घर में जाके कर देता था, क्योंकि डॉग्स का एक रूल मैंने देखा हमेशा कि वो अपने सीमा मतलब अपने जितने एरिया वहाँ पे टॉयलेट नहीं करते, वो कहीं दूसरे जगह करते। तो भाई आपका डॉग अगर किसी और के घर पे या फिर किसी और के आंगन पे करेगा टॉयलेट तो वो अच्छी बात नहीं ना, बात आप ही को सुनना पड़ेगा। तो इसी रीज़न से ना हम इसको बांध के रखने लगे और इसका आदत हो चुका बंधे हुए रहने का, और बंधे हुए रहेगा ना तो गाइस फुल्ली कंट्रोल में रहेगा, अगर खुल जाता है गलती से ना तो फिर भागता है। बहुत वीडियोज़ में आप लोग देखे होंगे कि इसको हम लोग बार बार ले के आते हैं, तो इसीलिए अभी अगर बगान भी छोड़ेंगे ना तो भाई साहब अभी तो इतना बड़ा हो चुका कि जो इतना वो शीड वगैरह लगाया है ना जितने भी अल्बेस्टर सब फांद के पार कर देगा इसको, वही है। तो इसलिए इसको खोल के रखते नहीं है, सभी थोड़ी देर इसको घुमाते बगान वगान में, फिर काम स्टार्ट करते अभी, क्योंकि ये सब खोलना भी है। पता ही है मम्मी 2-3 दिन से बोल रही है इधर में, और इधर में कुछ फ्लावर्स के पेड़ लगे हुए हैं मतलब पौधे, तो इनमें में पानी भी डालना है और कपड़े भी धोने, तो सबको करते अब। ए इधर आप, बस मेरे वहाँ से यहाँ तक ही खोलना हुआ है और हाथ देखो मेरा पूरा लाल, और इसी में ना मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया। और डीजी को ना रूम में बांध करके तो तभी से चिपटा रहा था पूरा, इसीलिए ना हम क्या किया डीजी को ना मेरे साथ ही लेकर के बगान में, और देखो उसको हम ना वहाँ पे बांध दिए वहाँ रस्सी को। सो बहुत देर हो चुका काम, और भी गर्मी इतना लग रहा है, शाम के बज रहे 3:30 हो रहे होंगे। तो यार नहाने का मन करा लेकिन आज नहीं नहाएंगे क्योंकि डेली नहाने से ना सर्दी हो जा रहा है, सो आज नहीं नहाएंगे, हाथ पैर धोकर आराम से फ्रेश हो जाएंगे। बाकी आज का काम बस इतना ही करते हैं और बाकी कल करेंगे, और मम्मी को बोलेंगे कि बीज है कि नहीं। अगर अभी मम्मी बैंक गई है, उस दिन जो बैंक वाला काम था ना नहीं हुआ था, आज मम्मी गई है फिर से, सो वो आती है, अगर बीज होगा तो आज ही लगा देंगे या फिर कल करेंगे। और कल भी ज़्यादा देर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल मेरा लास्ट डेट है, फिर मेरा 24th से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। सो आती मम्मी, इसके बाद देखते अगर बीज होगा तो बीज लगाएंगे। बाकी डेजी को परेशानी देखो, सामने आ गए तो आकर बैठ गए, दूर में थे तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा था? हाँ बोलो, दूर में थे तो हम अच्छा नहीं लग रहा था, बताओ।
और हाथ आपको दिख रहा होगा मेरा पूरा लाल हो गया। हाँ डेजी स्पीक। अरे ये क्या है डेजी स्पीक। गुड बॉय गुड बॉय स्पीक डेजी गुड बॉय स्पीक। मालिक एक बार स्पीक स्पीक डेजी। पता नहीं कभी कभी क्या होता है ना, एकदम मूड में रहता तो भोग देगा आने तो फिर नहीं। अच्छा दो खोल देती इसको यहाँ से। परेशान हो रहा है परेशान। कहाँ जाएगा अभी पता नहीं कहाँ जाने खोज रही है अभी। फेस वेस और हाथ पैर वगैरह धो के फ्रेश हो चुका हूँ और घर आए और ना हम शर्ट चेंज करने ही वाले थे, तब तक हमको दिखता क्या है, तब तक हमको ये दिखता है गाइस। देखो आपको पूरा आर पार दिख रहा है। ये सही सलामत कपड़ा था और पहनने लायक था मेरा, हम पहनते भी थे इसको। और ये यही है इसका जिम्मेदार। किया क्या है घर में, इसको छोड़ देते अकेले भोगते रहेगा भाई। तकिया भी काट का पूरा एकदम उसका जो रूई रहता है ना वो सब इधर उधर बिखरा गया है। और अभी हम देखे भाई शर्ट, आपको दिख रहा होगा मेरे आँख आर पार, ये शर्ट को भी काट के फाड़ दिया। और दो दो ईयरफोन्स, बिलीव नहीं करोगे, दो दो ईयरफोन्स जो हम रखते थे हमेशा उस डेस्क पे जहाँ पे बुक वगैरह ना चार्जर वगैरह सब कुछ मेरा वहीं पे रहता था भाई, दो दो ईयरफोन्स एकदम अच्छे अच्छे काट के तोड़ दिया। पता नहीं इसको मिलता क्या अकेले होता है, तो अब तो शर्ट भी फाड़ने लगा। तो मम्मी को बताते देख रहे, मम्मी तो बोलेगी सीधे इसको भगाओ अब यहाँ से, लेकिन भगाएगी नहीं सिर्फ बोलेगी। और सब करता है ये चंडाल, ये चंडाल ही करता है सब काम। क्या मिलता है तुमको सब करके? हाँ मिलता वहाँ की कुर्सी, कपड़ा देखो क्या किया करेगा, कुर्सी में रखे रहता है, कुर्सी में साइड में था तो उसको क्या जरूरी था अकेले सब करने का, बताओ। ये पहनने लायक कपड़ा था फाड़ दिया। पहनो ऐसे ही करके क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ही पहनेंगे? हाँ, तो इसको ऐसे करके सिलाई कर दो, ऐसे करके। गजब। अरे बीच का पूरा कपड़ा ही खत्म कर दिया उसको, तुम बीच से सिलेगी तो पहनेंगे क्या बताओ? पहना आ जाएगा रे, उसे देख बैकअप कौन पहनेगा, इसको मार, इसको मार घटिया सिलाई से हो रहा है। चल बेटा उसी को पहना दो, पहना दे ना पहना के देखते। नहीं 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 नहीं, इतना फटा हुआ बता कौन पहनेगा, हम तो नहीं पहनने वाले। हां मत पहनो। ए का कर रहा रे, उल्टी करेगा पता नहीं, गरीबी जिंदगी। अरे भाई उल्टी उल्टी मत कर, वैसे भी एक बार तुमको बड़े महंगा से बचाए हैं, दोबारा वही हो गया तो फिर इस बार बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे तुमको डिजे। तो भी यहाँ पे हमारे लोग का दूध चढ़ा हुआ है, दूध और इसमें खाना। और एक चीज़ है, बाहर में लकड़ी जला के खाना बनाने में दो फायदा भी, ठंडे के सीजन में यहाँ पे आराम से आग के सामने में बैठे हो एकदम मस्त गर्म गर्म से लगता है और हम लोग का खाना भी इसी में बन जाता है। गैस है बट वो इमरजेंसी के लिए है, कभी भी जैसे सडनली कोई गेस्ट आ जाते हैं उनके लिए वो गेस्ट बचा करते, और ऐसे हम लोग का नॉर्मल इसी में खाना बनता है। जो सब दिन में भी देखे हो कि ये वाला बना हुआ है ऐसे कुछ, तो ये वाला दिमाग मतलब एक साइड से ही लकड़ी दोनों तरफ उसका मुंह है तो दोनों तरफ से काम चलता है, मम्मी का दिमाग है ऐसा। सो डेजी देखो अभी भी किसको देखा, नहीं देखे, मत दो डेजी को देखो, ये दे कैसे सामने आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा घुसी जा, रुकी जा, चुल्हा मत दो डेजी को, खाने समय इतना इनोसेंट बनेगा ना, आके सीधे सामने बैठ जाएगा। और ऐसे टाइम में अगर गलती से छूट गया उस समय भाग जाएगा कान खड़ा करके, आदत जब भी छूटता है ना एकदम थोड़ा से पीछे देखेगा ऐसे करके, और उसके बाद जब भागेगा ही उसके बाद तो बोलो मत। पूछी और कान कहाँ रहता है डेजी? ऊपर ना, चल पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा डेजी, पीछे पीछे एकदम गुड बॉय। हाँ अच्छा तो भाई अब जाके लाइन आया, तभी से कटा हुआ था और फोन ना ऑलमोस्ट डेड होने वाला है। और आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा होने वाला, और जो भी है जैसा है, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग अभी 700 कंप्लीट करने वाले हैं। सो अभी के लिए बाय।